आंसू दुख के भी होते हैं, आनंद के भी। दुख के आंसू तो मिट जाते हैं, आनंद के आंसू अमृत हैं। उनके मिटने का कोई उपाय नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं। आनंद में आंसू झरे, इससे ज्यादा शुभ और कोई लक्षण नहीं है। आनंद में हंसना इतना गहरा नहीं हो जाता जितना आनंद में रोना गहरा हो जाता है। मुस्कुराहट परिधि पर उठी हुई तरंगे हैं, और आंसू तो आते हैं अंतर्गर्भ से, अंतरतम से। आंसू जब हंसते हैं तो केंद्र और परिधि का मिलन होता है। आंसू जब हंसते हैं तो मोती हो जाते हैं। ये आंसू तो आनंद के हैं, प्रेम के हैं, प्रार्थना के हैं, पूजा के हैं, ध्यान के हैं, अहोभाव के हैं। आपकी पहली मुलाकात आंसुओं से हुई थी। बहुतों की पहली मुलाकात मुझसे आंसुओं से ही हुई है, और जिनकी पहली मुलाकात आंसुओं से नहीं हुई है उनकी मुलाकात अभी हुई ही नहीं, जब भी होगी आंसुओं से होगी। आंसू तुम्हारे भीतर कुछ पिघला इसकी सूचना है, कुछ गला। अहंकार जो जमा है बर्फ की तरह, वह पिघला, तरल हुआ, बहा। आंखें कुछ भीतर की खबर लाती है जो शब्द नहीं कह पाते, आंसू कह पाते हैं। शब्द जहां असमर्थ है, आंसू वहां भी समर्थ है। आंसुओं का काव्य है, महाकाव्य है मौन, निःशब्द पर अपूर्व अभिव्यंजना से भरा हुआ। आंसू तो फूल है चैतन्य के।